हम शिक्षकों के तमाम विरोध के बावजूद राज्य सरकार द्वारा रात में शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया जाना बीपीएससी के द्वारा यह साबित करता है कि राज्य के अंदर में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में निगोशिएशन होता है, वार्ता होती है, एक पक्ष दूसरे पक्ष की बात को सुनता है और रास्ता निकाला जाता है। यहाँ तो सरकार बात करना नहीं चाह रही है। यह साबित करता है कि राज्य के अंदर में राजतंत्र चल रहा है। राजतंत्र किसी की चलने वाली आज के डेट में चलने वाला नहीं है किसी का भी। और शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, आप भी तो इंजीनियर है, एक बार इंजीनियर की परीक्षा फिर से पास करके आप दिखा दीजिए और तब मुख्यमंत्री की कुर्सी भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा मंत्री जी फिर से एक बार नेट का एग्जाम पास करके बता दे, पीएचडी फिर से एकदम पास करके बता दे और प्रोफेसर बनकर दिखा दे तो मान जाए हम। राज्य के जो मुख्य सचिव है आमिर सुहानी साहब यूपीएससी के टॉपर रहे, एक बार यूपीएससी की परीक्षा फिर से पास करके दिखला दे। आज जो शिक्षक है बिहार के अंदर में नियोजित शिक्षक 20 वर्षों से काम कर रहे हैं और सेवानिवृत्ति के कगार पर है। सैकड़ों शिक्षक हमारे सेवानिवृत्त हो गए। जो व्यक्ति सेवानिवृत्त होने जा रहा है वह परीक्षा देने जाएगा और ऐसी परीक्षा जिसमें उसका विद्यार्थी भी शामिल होगा और वह शिक्षक भी शामिल होगा। शिक्षकों को जलील करने की जो कोशिश है या बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने की साजिश है और इसका हम लोग भंडाफोड़ करेंगे। आंदोलन हम लोग का चल रहा है, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और बहुत जल्द पटना की सड़कों को शिक्षकों से पाट देंगे। हम लोग 5 लाख लोग सड़कों पर उतरेंगे, सारी जवाबदारी आपकी होगी। और हम तो शिक्षक हैं, शिक्षक रहेंगे। शिक्षक जो भी होता है वह संस्कार से, पूर्व जन्म के अपने कर्म से होता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आपको हर 5 साल पर इम्तिहान देना है और इस बार आपके इम्तिहान में हम लोग ऐसा सवाल खड़ा करेंगे जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा। और प्रधानमंत्री का सपना जो देख रहे हैं, आपका सपना बिहार में ही हम लोग चकनाचूर कर देंगे। इसलिए इस बीपीएससी की परीक्षा को जल्द नियोजित शिक्षकों को इस परीक्षा से मुक्त करने का आदेश जारी करिए, अन्यथा पुरजोर आंदोलन होगा, बहुत व्यापक आंदोलन होगा। इसकी सारी जवाबदेही शिक्षा विभाग और बीपीएससी के अधिकारियों की होगी। शिक्षा विभाग की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।